नमस्कार, मैं कृति थी हापुड़ हलचल के साथ। खबर है उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव अटूटा से, जहां ग्रामीणों ने धोखाधड़ी कर चुनाव करने का आरोप लगाया है। बता दें, बीती 3 तारीख को राशन डीलर का चुनाव था, जिस पर ग्रामीणों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव को दोबारा करवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने बंद कमरे में प्रधान के पक्ष में चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया है। विकास भवन आए, किस लिए आए हैं आप? क्या सर, हमारे गांव में कोटे का चुनाव हुआ था और हमारा प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हमारे पक्ष में 30-35 महिलाएं थी और फिर भी हमारा प्रमाण पत्र अभी नहीं जारी किया गया, इसलिए हम यहां विकास भवन आए थे। तो ये राशन कोटे का जो है आदेश किसके द्वारा किया गया था चुनाव का? सर, एडीओ सर थे और सभी थे अधिकारी। क्या पुलिस बल भी था वहाँ पर? हाँ जी, पुलिस बल था। तो बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि अपने पक्ष में कराकर एक बंद कमरे में चुनाव कराया। नहीं, क्या बंद कमरे में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पहले मना भी हुई है एक दिन पहले, और उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ है मंदिर पर, और हमने फोन द्वारा भी सूचना दी है। सभी महिलाएं वहाँ उपस्थित थी और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि ग्राम अटूटा में बीते काफी दिनों से ग्राम प्रधान की राजनीति की शिकार महिला डीलर को निरस्त कर दूसरे गांव के डीलर के द्वारा राशन वितरण करवाया जा रहा था, जिस कारण राशन डीलर का चुनाव कर नया डीलर या पुराने राशन डीलर लाने की मांग की गई, जिस पर लोगों का आरोप है कि गुप्त तरह से राशन डीलर का चयन कर लिया गया, जिसका महिला समूह व ग्रामीण खूब जोर शोर से विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन के बनाए नियमों को प्रधान व प्रधानपति द्वारा ग्रामीणों से छिपाया गया और लोगों को बिना सूचना दिए ही राशन डीलर का चुनाव कर लिया गया। आइए जानते हैं कि इस मामले में गांव वासियों का क्या कहना है और क्या शिकायतें हैं। बालाजी, आप यहां विकास भवन आए, किस लिए आए आप? किस मामले में लिए गए थे आपके कोटे के निर्माण पत्र? कब हुआ था ये चुनाव? 3 तारीख। तो फिर प्रमाण पत्र ले लिए गए थे आपसे। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।